थाने सरकार न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीती रात के दिन यानी के 20 जनवरी के दिन पटेल लो प्लाइज अमन टाकीज रोड उल्लासनगर 2 वहां पर मानेना गांव के रहने वाले दीपक बोयर की वहां पर निर्मम हत्या की गई। हत्या का पूरा विजुअल सीसी कैमरा में कैद हो चुका है। हत्यारों की पहचान की गई है मगर हत्या करने की वजह अभी तक पुलिस जांच रही है। पुलिस जांच में जुट चुकी है। आखिर हमारा उल्लासनगर शहर क्यों क्राइम के ओर बढ़ रहा है? आए दिन उल्लासनगर शहर में गोल मैदान परिसर, नेहरू चौक परिसर ऐसी वारदातें लोगों को देखने को मिल रही है। स्थानीय लोग घबराहट में है। आखिर हमारे उल्लासनगर शहर का क्राइम क्यों बढ़ रहा है? उसका मुख्य कारण है देर रात तक उल्लासनगर शहर में शराब के अड्डे चलाए जाते हैं, देर रात तक उल्लासनगर में डांस बार चलाई जाती है, देर रात तक उल्लासनगर शहर में हुक्का पार्लर का जो बिजनेस टॉप पर चल रहा है उसे बंद कराना होगा, तब जाके उल्लासनगर शहर का क्राइम कम होगा। बात सुनने में इस प्रकार की है कि दीपक बोयर और उनके साथी दुरु डांस बार में बैठे हुए थे और उनकी फील्डिंग लगाने के लिए उनके हत्यारे नीचे प्लानिंग कर चुके थे। जैसे ही दीपक बोयर अपने साथियों के साथ दुरु डांस बार से नीचे उतरते हैं और जो हत्या करने आए थे उन्होंने तुरंत उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। तो ये सारा वाक्य है जो सीसी कैमरा में कैद हो चुका है। हम आपको पूरी तरह से ये विजुअल दिखा रहे हैं किस प्रकार से वहाँ पर दीपक बोयर की हत्या की जाती है। उनका एक साथी भागने में सक्षम हो जाता है मगर दीपक बोयर भागने में सफल नहीं हो पाते हैं। वो भागते हुए गिर जाते हैं, तभी अचानक उसके हत्यारे उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि पूरी तरह आप विजुअल देख लीजिए किस प्रकार से दीपक बोयर की निर्मम हत्या की जाती है। माझ्या भावाचा पोरगा होता आणि त्याच्यावर काही एवढे काही गुन्हेगार नव्हता। तो फक्त 3-3.5 महिने पहिले झगडा झाला होता, त्याच्या फक्त मिटवासाठी जायचा आणि मिटवासाठी जायचं असल्यानं त्याच्या जो नावाचा जो पोरगा आहे त्याला ज्यांनी मारला त्याचं नाव आता माझ्या काही लक्षात नाही राहिलं, पण काय नाव त्याचं रे? नरेंद्र चव्हाण। आणि त्याच्या संगती 10-15 पोरं होती। हां, एका मुलीने फोन लावला पंजाबी म्हणून, तिने बेरबारमध्ये त्याला बोलवून घेतलं आणि मग तिथे मारेकडे तयार असलेले सर्वांकडे चापड तलवारी असून त्याला खाली आल्यानंतर बेरबारमध्ये वर त्या मुलीला भेटला आणि खाली त्या पाठोपाठ ते लोक आले त्या बेरबारमधून। म्हणजे हे प्लान केलेलं आहे आणि याच्यात त्याच्या आईबापाला ज्या मुलांनी मारलं त्यांच्या आईबापाला आणि त्याला सहकार्य असेल तेवढ्यांना पोलीस स्टेशनला जमा केले नाही तर आम्ही इथून बॉडी उचलणार नाही, नाही घेणार आम्ही लोक बॉडी। हां हां, आणि हा त्याला जे मारले ते पूर्ण गुन्हेगार आहेत, त्यांच्यावर व्यवस्थित कारवाई झाली पाहिजे नाही तर आम्ही आता पण बॉडी उचलणार नाही। दोन शब्द बोलून संपवतो, बोला। ही घटना एक दीडच्या सुमारात घडली। आम्हाला कळलं 5 वाजता, तेव्हा आम्ही आलो तर इकडे फिरत होतो आणि पांडुरंग भुईर ज्याचा मुलगा आहे त्याला रात्री 2 वाजता कळलं, तर आमची सर्व त्याला पाहत होतो आम्ही इकडं तिकडं। पण ही जी त्यांनी मारली त्याला काही कारणच नाही आहे, फक्त मुलामुलांचं झगडं होतं, तो पोरगा मिटवायला जायचा, हा जाणूनबुजून मारले ह्या लोकांनी त्याला। हां, दुरुबारच्या हॉटेलमध्ये मारलं। असे दुरुबारमध्ये हॉटेलमध्ये ते बंद करण्यात यावं, तिथे अनेक घटना घडलेल्या आहेत। सीसी कॅमेरा चेक करावा आणि त्याचे मोबाईल चेक करावा एवढीच आम्हाला पोलीस डिपार्टमेंटला विनंती आहे। आणि जोपर्यंत आम्हाला आरोपी सापडत। दीपूचा काका बोलतोय, दीपू का काका बात कर रहा है मैं। वो दुरुबार में जो लड़के काम कर रहा है उसने दीपू का बुलाया और ऊपर लड़के लोग पीने के लिए बैठा था, उसने फील्डिंग पहले लगाया था, इसके लिए मुली लड़की भी वो आरोपी होना मांगता है और ये लोग का अटक ना करेगा तब तक मैं उठाएगा ही नहीं। हम लोग बारवाली होती मुलगी। कितने बजे की घटना है ये? 2:30-2 बजे की घटना है।
बाहर के सीसी कैमरे चेक करते थे। 15-20 लड़के लोग थे। किस वजह से हत्या की? वो मिटाने के लिए जाता था डेली, इसके लिए लोग ने इसको ही पकड़ा। उसके बाद दीपक बोयर के परिवार वालों ने उनकी अंतिम यात्रा निकाली। आप देख सकते हैं कि दीपक बोयर की अंतिम यात्रा में कितने लोग उनके साथ अंतिम यात्रा में शरीक होते हैं। काफ़ी संख्या में लोग थे, उनके परिवार वाले थे, उनके दोस्त थे। उन्होंने सबने यही कहा कि पुलिस जल्द से जल्द कोई कदम उठाए, नहीं तो उल्लासनगर शहर में इस प्रकार की वारदातें जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है, आखिर कब उल्लासनगर शहर के लोगों को ऐसी बातों से इंसाफ मिलेगा। थाने सरकार न्यूज, महेश मूलचंदानी, उल्लासनगर।